झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के अभिभाषण से इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद शोक प्रस्ताव पढ़ा गया। इसमें दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं राज्यपाल ने अभिभाषण में हेमंत सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 24 मार्च तक चलने वाले सत्र के दौरान 1 मार्च को वित्तीय वर्ष 2022-23 का द्वितीय अनुपूरक बजट सदन में रखा जाएगा और 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण की औपचारिकता खत्म होने के बाद कल से सदन में कामकाज शुरू होगा। इस दौरान काफी हंगामे के भी आसार हैं। विपक्ष ने पहले ही अपनी मंशा साफ कर दी तो वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष को सदन का वक्त बर्बाद न करने की नसीहत दे रहा है। बजट सत्र का हुआ आगाज, सदन में संग्राम के लिए विपक्ष तैयार, सत्ता पक्ष देगा हर सवाल का जवाब। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के अभिभाषण के साथ झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया। राज्यपाल ने सोमवार को अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार भारत के सुनहरे भविष्य में अपना योगदान देने के लिए कृत संकल्प है। राज्यपाल ने कहा कि हमारी सरकार सभ्यता, संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देते हुए विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यपाल ने सरकार की ओर से हर वर्ग के लिए काम हो रही योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी इस बात को साबित करती है कि राज्य सरकार विषम परिस्थितियों में भी सफलता के नए आयाम को छूने की क्षमता रखती है। Who failed to meet the qualifications of the centrally sponsored pension scheme were being deprived of pensions following the principles of Sarvajan Hitoya and Sarvajan Sugaya. The state government has implemented Sarvajan Pension Yojana by simplifying the universalizing the pension schemes. All eligible qualified persons would be covered under this scheme. A total of 21.08 lakh beneficiaries have so far benefited under this scheme. In order to upgrade the education of the girl child, the state government has launched Savitri Bai Phule Kishori Samriddhi Yojana with the objective of reducing the dropout rate of school girls in higher classes. And the betterment of their education, health and empowerment, the financial year 2022-23, more than 6.51 lakh girls have been provided and the benefit of this scheme. बजट सत्र के एक महीने में लगभग 17 दिवसीय कार्य होंगे। इस दौरान राज्य सरकार 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेगी। इस बजट सत्र के दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक भी लाएगी। ऐसे में विपक्ष सरकार को मंगलवार से सदन में घेरने की हर रणनीति तैयार कर चुका है। भाई देखिए, जो भी ज्वलंत मुद्दे होंगे झारखंड का, और झारखंड जिस दशा और दिशा में चल रही है, तो वहाँ कोई मुंह में पट्टी लगा के तो नहीं बैठेंगे। सरकार को आईना तो दिखाने का काम जरूर करेंगे। नहीं, वक्त किस चीज़ के लिए बर्बाद नहीं करो। वक्त तो हम लोग सकारात्मक चीज़ को लेकर अंदर बात करते हैं। नियोजन नीतिमाली जो रद्द हो गई उसको लेकर हम लोगों ने चर्चा किया है। आपने सुन लिया होता तो आज ये युवाओं के साथ इतना बड़ा छलावा नहीं होता। हम लोगों ने मॉब लिंचिंग को लेकर कहा कि दो या दो से अधिक व्यक्ति, इसलिए हम लोगों ने सदन बर्बाद। पिछली बार आप देखें, चाहे वो आपका कृषि उत्पाद पे जो 2% टैक्स का हो उसको लेकर हम लोगों ने चर्चा की है। हम लोगों ने जो स्टैम्प ड्यूटी बढ़ा दिया गया उसको लेकर चर्चा की है। हम लोगों ने 1932 खतियान जो लागू नहीं हुआ उसको लेकर, आपने जो प्रोपोगंडा किया उसको लेकर हम लोगों ने चर्चा की है। जो जन समस्याएँ हैं उनको लेकर के हमारा जो विपक्ष का जो कर्तव्य है उसको तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, और जो मुद्दा है जिनसे सहयोग करना चाहिए हम लोग करेंगे। वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष के हमलों के लिए खुद को तैयार बता रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष का सहयोग मिलेगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सदन है ये। अब इस बार बजट सत्र है और विपक्ष अपनी सकारात्मक भूमिका में रहे, ऐसी उम्मीद है। और हम लोग राज्य हित में बातें कर सकें, जनता के लिए सदन आहूत किया जाता है। तैयारी हम लोगों को करनी है कि विपक्ष को करनी है? विपक्ष कहाँ तैयारी करके आ रहा है,
विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है। छोटी छोटी बातों को नॉन इशू को इशू बनाने वाला विपक्ष है, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे यहाँ हो। जनता ने उनको चुना है कि जनता की समस्याओं को सदन में उठाना है, उनके पास समस्याएं नहीं हैं कि वो उठा पाए, इसलिए सदन का कीमती वक्त बर्बाद करते हैं। पूर्व का तो यही हम लोगों का अनुभव है। भारतीय जनता पार्टी से मैं कहूँगा कि विगत हमें लगता है 3 महीने से ये लोगों ने कलाकारी किया है और अभी नौटंकी करेंगे। जनता के कहना चाहेंगे कि हम बहुत ईमानदार हैं। सारी जो भ्रष्टाचार का जड़ यदि कोई है वो भाजपा है। हमारी सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है। मेरा मांग होगा, मैं कहना जनता की गाड़ी कमाई को बर्बाद मत करो। बजट सत्र है, अपने सुझाव दीजिए और डिबेट कीजिए और सामने आइए और बेवजह अगर आप तमाशा बनाइएगा तो सियासतदान के तेवर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बजट सत्र के दौरान सदन में क्या कुछ होगा। सवाल ये है कि क्या इस बार भी सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा या जनता के मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हो पाएगी। अभिषेक भगत, जी मीडिया, रांची। वहीं बजट सत्र के पहले दिन समापन के बाद वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि विपक्ष को प्रश्न उठाना चाहिए। अगर सदन शांति से चल रहा है और काम हो रहा है तो चलने देना चाहिए और इसी में सदन की गरिमा है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि 24 मार्च को सरहुल है और ऐसे में सदन की तारीख को बढ़ाया जाएगा या नहीं इसे लेकर बैठक हुई है, इस पर फैसला जल्द लिया जाएगा। विपक्ष को प्रश्न उठाना चाहिए, हाँ, लेकिन अगर सदन की कार्रवाई शांतिपूर्वक ढंग से चल रही है और काम हो रहे हैं तो उनको भी शांति बनाए रखना चाहिए। ये सबके हित में है, जनता के हित में है, सदन के गरिमा के हित में है, मैं यही कहूँगा इसमें। और हम लोग का तो जो पहले से है अप्रूव्ड है, राज्यपाल जी अप्रूव किए हैं, तो 27 से 24 तक बीच में 7 दिन के लिए छुट्टी है, 7 या 8 दिन की छुट्टी है, बाकी तो चलता रहे। सहरूल 24 तारीख को पड़ रहा है, उसी को लेकर थोड़ा हम लोग चिंतित थे कि कैसे करके उस दिन में हो पाएगा। अब उसका एकदम कंक्रीट तो नहीं निकला है, हो सकता है कि एक दिन हाउस घटे और बिजनेस आवर बढ़ा दिया जाए, यही चर्चा अभी तक हुई है। फिर कार्य मंत्रालय में दोबारा बैठेंगे फिर निर्णय लेंगे। मैंने करीब करीब 24 को तो नहीं होगा, वो सहरूल है, उसलिए बहुत बड़ा पर्व है झारखंड का, इसलिए नहीं होगा। तो 24 को कैसे करके घटाकर या उसको स्थगित करके फिर 27 तारीख को, तो उसमें निर्णय लिया गया सर्वसम्मति से जो 23 तारीख तक ही रखा जाए हाउस को और जो वर्किंग आवर जो है उसको बढ़ाने की बात हो रही है। वहीं बजट सत्र के पहले दिन के समापन के बाद रांची में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक हुई। बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत सभी वाजपेयी विधायक बीजेपी विधायक मौजूद रहे। बैठक में बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने को लेकर रणनीति बनाई गई। बीजेपी के मुताबिक सबसे अहम मुद्दा नियोजन नीति रहेगी और वहीं भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, कोर्ट फीस बढ़ोतरी और कृषि बाजार शुल्क जैसे मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की तैयारी है। आप सबको पता है कि आज से लेकर के 24 तारीख तक विधानसभा सत्र आहूत की गई। जो हेमंत सोरेन सरकार दिन रात कहती है कि हम आदिवासी की सरकार है, आदिवासी हितों की हम बात करते हैं, लेकिन आप सबको पता होगा कि भाई 24 तारीख को यहाँ आदिवासी सरहुल धूमधाम से मनाती है। राज्य सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने उसका भी ख्याल नहीं रखा था, यानी आप समझ सकते हो सरकार किस प्रकार से लोगों की भावनाओं को कुचलते हैं और राजनीति करते हैं। सिर्फ शब्दों की वो राजनीति करते हैं, बाजीगरी करते हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।